जैसा कि पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया कि मेडिकल नेगलिजेंस क्या होती है और आप इसकी चपेट में आ गए हैं तो आपके पास क्या क्या रेमेडीज़ हैं। अब इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ जो है फ्री कंसेंट के बारे में। फ्री कंसेंट क्या होती है और मेडिकल नेगलिजेंस से कैसे कनेक्टेड है, ये दोनों ही बातें मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। सबसे पहले जान लेते हैं फ्री कंसेंट क्या है। तो जब भी आप किसी चिकित्सक, डॉक्टर या फिर अस्पताल जाते हैं अपने इलाज के लिए, तो डॉक्टर आपके इलाज में होने वाले लाभ, जोखिम और उसमें होने वाले खर्च का ब्यौरा देता है। यदि वो इन तीनों में से किसी भी चीज़ को बिना बताए हुए आपसे किसी भी पेपर पर साइन करने के लिए या अपनी सहमति देने के लिए कहता है तो यह मेडिकल नेग्लिजेंस के अंतर्गत आता है। और यदि वो पूरा लाभ, जोखिम और पूरा ब्यौरा देता है आपके खर्च का, तो आप उस पर साइन करते हैं और ये जो प्रोसेस है ये है फ्री कंसेंट, जिसे सहमति कहा जाता है उस इलाज के लिए। अब जान लेते हैं कि क्या-क्या एसेंशियल्स हैं जो फ्री कंसेंट में होते हैं। तो सबसे पहले कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। कोई भी चिकित्सक या अस्पताल प्रबंधन जब आपसे सहमति लेता है तो उसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उस इलाज की देनी होती है, जिसमें उस इलाज से होने वाले लाभ, उस इलाज के दौरान होने वाले जोखिम या फिर उस पर जो खर्च आना है उसका ब्यौरा देना होता है। यदि वो नहीं देता है तो ये मेडिकल नेग्लिजेंस की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा यह जो सहमति है यह एक डिसीजन होना चाहिए जो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ना वह किसी प्रभाव में होना चाहिए और ना किसी दबाव में होना चाहिए, अंडर कोशन नहीं होना चाहिए और अंडर इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। डॉक्टर आप पर यदि दबाव बनाता है या जल्दबाजी करने का प्रयास करता है और आपसे साइन कराकर इलाज तुरंत स्टार्ट कर देता है बिना आपको पूरी जानकारी दिए हुए, तो यह भी मेडिकल नेग्लिजेंस के अंतर्गत आता है। अब तीसरा, मान लीजिए फ्री कंसेंट आप देते हैं तो यह एक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर और जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंतर्गत आता है। मान लीजिए आपको पूरी जानकारी नहीं दी जाती है या फिर आपसे सहमति ले तो ली जाती है लेकिन जिसका इलाज कराने गए हैं आप उसका उतना मानसिक सक्षमता नहीं है कि वह समझ सके कि क्या लाभ है और क्या नुकसान है और उनको कैसे तुलनात्मक रवैया अपनाया जाए, तो यह जो डॉक्टर के द्वारा कृत्य किया गया है यह मेडिकल नेग्लिजेंस के अंतर्गत आता है। यदि आपको लगता है कि आपसे कंसेंट ली तो गई है लेकिन वो फ्री कंसेंट नहीं है, तो आप मेडिकल नेग्लिजेंस की चपेट में आ चुके हैं। तो यदि आप इससे जूझ रहे हैं तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या ईमेल आईडी पर हमें ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू।